भारत के पहले CDS बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद से एक टर्म हमेशा सुनने को मिल रहा है, ब्लैक बॉक्स। तो ये ब्लैक बॉक्स क्या है? तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का बिल्कुल नहीं है और ये एक बॉक्स बिल्कुल नहीं है। तो पहले हम ब्लैक बॉक्स देख लेते हैं, ये दिखता कैसा है। तो ये है आपका ब्लैक बॉक्स, जो कि एक ऑरेंज कलर का डिवाइस है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं। ये एक जिस तरीके से आप अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, उसी तरीके से एक स्पेशल डिवाइस होता है जो कि चिप की तरह काम करता है और ये सारे इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि वॉइस रिकॉर्ड करना, कितने हाइट पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कितने स्पीड से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जहाँ हेलीकॉप्टर वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का प्रेशर क्या है, वहाँ हवा कितनी गति से चल रही है, इन सब चीज़ों को ये रिकॉर्ड करता है। और हेलीकॉप्टर के पीछे वाले हिस्से में इसको लगाया जाता है, क्योंकि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो मोस्टली ये वाला पार्ट डैमेज हो जाता है, इसलिए इसको पीछे वाले हिस्से में लगाया जाता है, जिससे कि आपके ब्लैक बॉक्स को कम से कम क्षति पहुंच सके। ये आपका हार्ड मटेरियल का बना होता है, स्टील और टाइटेनियम के एलिमेंट से मिलकर के इसको बनाया जाता है, ताकि ये बहुत सख्त हो, जल्दी से ये नुकसान इसको ना पहुंच सके। अगर किसी केस में हेलीकॉप्टर का मलबा पानी में गिर जाता है तो वहां से भी ये अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स महीनों तक भेजता रहता है, लगभग एक महीने तक ये वहां से सिग्नल भेजता रहता है, जिससे कि इसको ढूंढने में आसानी होती है। और जब ब्लैक बॉक्स को रिसीव कर लिया जाता है तो उसमें से हम लोग बड़े आसानी से सारे डेटा लगभग 10 से 12 दिनों में रिकवर कर लेते हैं।